हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने पिछली क्लास के अंदर देखे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है और उसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं बच्चे में, ठीक है, उन सब के बारे में देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको जो भी आने वाला नोटिफिकेशन है आपको हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से फटाक से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। माइलस्टोन, देखिए सबसे पहले तो होता है माइलस्टोन। क्या है माइलस्टोन्स, क्या होते हैं माइलस्टोन? ओके फ्रेंड्स, माइलस्टोन्स क्या होते हैं? तो माइलस्टोन्स क्या होते हैं, इवेंट्स ऑफ द लाइफ, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द लाइफ। क्या होते हैं माइलस्टोन? इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ लाइफ, इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ लाइफ। लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण इवेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं? माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ। लाइफ के अंदर सबसे वो इम्पॉर्टेंट इवेंट जो सबसे पहले अपन ने शुरू किए हैं, शुरुआती सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो अपन उनको फिर भूलते नहीं है, है ना, तो वो क्या होते हैं कि माइलस्टोन्स। कौन कौन से होते हैं माइलस्टोन? सबसे पहले आता है जो बेबी है वो विदाउट सपोर्ट बैठना शुरू करता है, सिट विद सपोर्ट, सॉरी, सबसे पहले जो बेबी है वो 6 मंथ पे क्या होता है, विदाउट सपोर्ट है वो बैठना शुरू करता है, सिट विद सपोर्ट एट 6 to 7 months। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा? क्वेश्चन ऐसे पुटअप होगा कि ए बेबी सिक्स सिट विदाउट सपोर्ट हाउ मैनी एज, किस एज के अंदर वो क्या होता है कि विदाउट सपोर्ट के, सॉरी विद सपोर्ट के बैठ सकता है, तो विद सपोर्ट के किस एज के अंदर बैठेगा? आंसर होगा 6 to 7 months। ठीक है, आंसर होगा 6 to 7 months, यानी एक बेबी है जो सपोर्ट से, सहारे के से कब बैठना शुरू कर देता है? 6 to 7 months। देखिए आपको इमेज दिया गया है, इमेज के अंदर दिखाया गया है कि बेबी है वो बैठा है और उसके चारों ओर क्या है, सपोर्ट, उसको सहारा चाहिए बैठने के लिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इवेंट है ना, सबसे पहले जो बेबी है वो बैठना शुरू किया और वो भी किसी के सहारे से, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी के भी सहारे से बैठना शुरू किया, वो क्या हुआ? माइलस्टोन। ठीक है, इम्पोर्टेंट इवेंट था। तो सबसे पहले बेबी जो है वो बैठना कर शुरू करेगा, किसी के सहारे से बैठेगा, वो होगा कब स्टार्ट कर देगा? 6 to 7 months के ऊपर। सिट विद सपोर्ट कब शुरू कर देगा? 6 to 7 months पे। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है सिट विदाउट सपोर्ट। सिट विदाउट सपोर्ट कब शुरू कर देगा? जब बेबी सहारे से बैठना शुरू कर देगा तो उसके कुछ दिनों बाद में ही क्या हो जाएगा, वो बिना सहारे भी बैठना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? बिना सहारे बैठना शुरू कर देगा। कितने मंथ पे? 8 to 9 months पे। 6 to 7 months पे क्या होगा, वो पे जो बेबी है वो सिट विद सपोर्ट, सहारे से बैठेगा। लेकिन 8 to 9 months पे क्या कर देगा, बेबी विदाउट सपोर्ट बैठना शुरू कर देगा, बेबी विदाउट सपोर्ट बैठना शुरू कर देगा। ठीक है, तो क्या क्या होगा, बेबी है वो बिना सपोर्ट के, विदाउट सपोर्ट कब बैठना शुरू कर देगा? 8 to 9 months पे। याद हो जाना चाहिए अभी, देखिए इमेज के अंदर दे रखा है जो बेबी है वो ऐसे ही फ्री बैठा है, अकेला ही खुश है ना, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आराम से बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है स्टैंड विद सपोर्ट। क्या आता है? स्टैंड विद सपोर्ट, स्टैंड विद सपोर्ट। इमेज के अंदर दिया गया है बेबी है वो किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के खड़ा हो रहा है, किस एज में खड़ा होगा? 9 to 10 months। 9 to 10 months पे बेबी सहारे से विद सपोर्ट खड़ा हो जाता है। ठीक है, विद सपोर्ट स्टैंड, ठीक है, सहारे से खड़ा हो सकता है। आपने देखा होगा ना, एक वो पहिए वाला आता है, एक टॉय आता है जो बच्चे का खेलने का होता है, उसको बेबी जो है वो पकड़ के खड़ा हो जाता है,
ठीक है, और धीरे धीरे फिर उस पर चलना भी शुरू कर देता है। कई बेबी होते हैं जो थोड़ा सा उनके अंदर डिले माइलस्टोन होता है और उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिले होता है, जिसकी वजह से वो धीरे चलते हैं, मतलब लेट चलना शुरू करते हैं, तो उस कंडीशन में उनको ला के देते हैं। ठीक है, तो वो क्या है उसके, वो एक बेबी के लिए क्या हो जाएगा, बहाना हो जाएगा, उसको पकड़ के बेबी खड़ा हो सकता है और चल सकता है। ठीक है, तो ये था बेबी स्टैंड विथ सपोर्ट। नेक्स्ट वन आएगा कि बेबी स्टैंड विदाउट सपोर्ट, बिना सहारे के फ्री फ्रीली कब खड़ा हो जाएगा। खड़ा हो सकता है बेबी, अभी चला नहीं है, लेकिन वो बैलेंस बना सकता है। क्या बना सकता है? बैलेंस बना सकता है, खड़ा हो सकता है। स्टैंड विदाउट सपोर्ट एट 10 to 11 months, 10 से 11 महीने का बेबी है, वो क्या हो जाएगा, बिना सहारे के स्टैंड विदाउट सपोर्ट वो खड़ा रह सकता है। स्टैंड विदाउट सपोर्ट वो खड़ा रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है कुछ इम्पोर्टेंट जो बेबी के लिए है, जैसे कि स्ट्रेंजर एंजाइटी व्हेन विल बी अपियर। स्ट्रेंजर एंजाइटी कब अपियर होती है? स्ट्रेंजर एंजाइटी क्या होता है? अजनबी, दूसरे को देख के बच्चा है वो, और क्या हो जाता है, एनजीएस हो जाता है, वो कब उसमें प्रोड्यूस होती है, तो कब होती है, 6 month पे। 6 month पे जो स्ट्रेंजर एंजाइटी है वो बच्चे के अंदर क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। बच्चा है 6 month पे और दूसरे को देख के एनजीएस होना शुरू कर देता है कि ये मेरे पास क्यों आया है, मेरे पास आया है तो ये मेरे को लेके तो नहीं जाएगा, मेरे को किसी से दूर नहीं, अपने से दूर नहीं कर देगा, तो वो सारी चीज़ सोचना शुरू कर देता है। तो वो कब होता है, 6 month पे। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है सोशल स्माइल। बच्चा सोशल स्माइल कब देता है? ठीक है, सोशल स्माइल जानते हैं, मतलब मुस्कुरा देता है वो, अपने देख के पर्सन को देख के क्या कर देगा, मुस्कुरा देगा। उसके मम्मी है, पापा है, उसके जो भी ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर है, जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको देख के वो क्या कर देगा, स्माइल देगा। वो कब शुरू कर देगा, 2 to 3 months पे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसको बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, सोशल स्माइल बेबी कब शुरू कर देता है, सोशल स्माइल कब शुरू कर देता है, तो कब शुरू कर देता है, 2 to 3 months पे। 2 to 3 months पे सोशल स्माइल शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कैन ड्रिंक फ्रॉम ए कप। बेबी एक कप से पानी पीना कब शुरू कर देता है, बेबी कप से पानी पीना कब शुरू कर देता है। जब आप छोटे थे तो सबसे पहले कप से पानी पीना कब शुरू किया था, कब शुरू किया था, फटाक से इसका आंसर दीजिए, 12 to 13 months पे। 12 से 13 महीने पे क्या हो जाता है, बेबी कप से पानी पीना शुरू कर देता है। जनरली देखा जाए तो 1 साल का बेबी, 1 साल का बेबी, 12 to 13 months का जो बेबी है वो कप से पानी पीना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है वॉक अलोन। अब तक क्या था, बेबी अकेला खड़ा हो रहा था, खड़ा कैसे, विदाउट सपोर्ट खड़ा हो रहा था। कितनी एज में खड़ा हो रहा था, 10 to 11 months का बेबी है, वो विदाउट सपोर्ट खड़ा हो रहा था। अब क्या है, बेबी विदाउट सपोर्ट कब चलना शुरू कर देता है, कब शुरू कर देता है, 14 to 15 months। 14 to 15 months पे क्या होता है, बेबी विदाउट सपोर्ट चलना शुरू कर देता है। और विद सपोर्ट कब चलना शुरू कर देगा, विद सपोर्ट, इसके साथ ही। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये क्या हो रहा है, वॉक अलोन या विदाउट सपोर्ट। क्या हुआ, बेबी विदाउट सपोर्ट या वॉक अलोन कब शुरू कर देता है, 14 to 15 months। लेकिन इसी के साथ में अगर देखा जाए तो बेबी क्या है, विद सपोर्ट, क्या बेबी विद सपोर्ट कब चलना शुरू कर देता है, दूसरे के सहारे से कब चलना शुरू कर देता है, कब कर देता है, फटाफट से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। रुकना नहीं चाहिए, अगर आपको आता है ना तो आप फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अगर रुक गया ना तो फिर वो आपको किसी काम का नहीं। आपको अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए। बार बार रिपीट करोगे तो आपको याद होगा, आप कभी भूलोगे नहीं, इसलिए आपको बार बार रिपीट करना है, करते रहना है बार बार रिपीट। आप एक बार अगर पढ़ लिया, आपको याद हो गया, आप वो थोड़े दिन बाद में क्या होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा, वो भूल जाओगे। और अगर आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चला जाएगा, इसलिए कि आप फिर उसको कभी भूल नहीं पाओगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के बाद आप उसको भूल नहीं पाओगे, इसलिए आपको
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, आंसर देना है हर क्वेश्चन का, आपको आंसर देना है। जब तक आप आंसर नहीं दोगे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, फटाफट से अगर आपका आता है तो उससे पहले आंसर दो, ठीक है। कोई बात नहीं, गलत होना कोई बुरी बात नहीं, अगर गलत हुआ तो भी कोई बुरी बात नहीं, गलत तो होगा लेकिन अपन उसको सही कर लेंगे। बुरी बात तो होगी कि गलत होने के बाद भी अपन उसको सही नहीं करें, वो गलत होगा। तो आप फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। विद सपोर्ट कब हो जाएगा बेबी? 12 to 13 मंथ, 12 से 13 मंथ का जो बेबी है वो विद सपोर्ट वॉक करेगा, चलना शुरू कर देगा, ठीक है। और विदाउट सपोर्ट कब करेगा? वॉक अलोन विदाउट सपोर्ट कब करेगा? 14 टू 15 मंथ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट आते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स। क्या आते हैं? कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट? क्या होता है? व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ न्यूनेट? न्यूनेट जो है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसका एवरेज वेट कितना होता है? कितना होता है उसका एवरेज वेट? 3 kg। कितना होता है उसका एवरेज वेट? 3 kg। 3 किलो का जो बेबी है वो एट बर्थ न्यूनेट के टाइम पे जो बेबी का वेट होता है वो कितना होता है? 3 kg, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिन इज कॉल्ड। इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिन इज कॉल्ड, फटाक से अरे कमेंट बॉक्स में कमेंट रुकना नहीं चाहिए। आपने पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ी होगी, और नहीं पढ़े वो पढ़ेंगे, उनको तो बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि उनको बार बार रिपीट कर रही है तो उनको याद हो जाएगा पढ़ने से पहले ही। जो बच्चे बीएससी थर्ड ईयर है, जीएनएम सेकंड ईयर के बच्चे हैं, उनको तो अभी से याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप जल्दी से फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होगा। इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिन इज कॉल्ड, यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं होना क्या कहलाता है? एन्यूरेसिस। क्या कहलाता है? एन्यूरेसिस। क्या कहलाता है? एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस क्या होता है? इनएबिलिटी टू कंट्रोल द यूरिन, यूरिन के ऊपर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होना क्या कहलाता है? एन्यूरेसिस, ठीक है। पता ही नहीं चलता है, बच्चा जहाँ खड़ा है वहीं पे कर देता, सूसू कर देता है, वही क्या है? एन्यूरेसिस। नेक्स्ट वन आता है इनएबिलिटी टू कंट्रोल स्टूल इज कॉल्ड। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ बच्चों इस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। क्या है? इनएबिलिटी टू कंट्रोल स्टूल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? एनकोप्रेसिस। क्या कहलाता है? एनकोप्रेसिस। एनकोप्रेसिस क्या है? इनएबिलिटी टू कंट्रोल स्टूल, इनएबिलिटी टू कंट्रोल स्टूल क्या है? एनकोप्रेसिस, भूलना नहीं है इसको, भूलना नहीं है। नेक्स्ट वन आता है इंजेक्शन ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस इज कॉल्ड। बच्चे के द्वारा नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को इंजेक्शन कर लेना, खा लेना, क्या होता है? नॉन न्यूट्रिटिव का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चा को मिट्टी खाना शुरू कर दे, ठीक है, या फिर पत्थर वगैरह, या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको खाना शुरू कर दे, तो वो क्या होता है? नॉन न्यूट्रिटिव। तो अगर नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को इनहेल कर रहा है बच्चा, इंजेक्शन कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्या बोलते हैं उसको? नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को, बहुत बार पढ़ा होगा, और जो बच्चे नए हैं नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़ लेंगे, क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट, रुकना नहीं चाहिए। जब तक आपको आ रहा है कमेंट देते रहो, कोई बात नहीं, गलती करना कोई बात नहीं, लेकिन गलती को नहीं सुधारना गलत बात है। अरे मुश्किल तो उनके लिए है जो अभी तक शुरू ही नहीं किया, जिन्होंने शुरू कर दिया उनको कोई मुश्किल नहीं है, सही तो एक दिन कर ही लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या कहते हैं पिका? क्या कहते हैं पिका? PICA, पिका। पिका क्या है? इंजेक्शन ऑफ द नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को इंजेक्शन करना क्या कहलाता है? पिका। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है द नॉर्मल हेड सरकमफेरेंस। बहुत बार पीडियाट्रिक नर्सिंग का सबसे पहला क्वेश्चन, द नॉर्मल हेड सरकमफेरेंस कितना होता है? कितना होता है? 33 to 35 सेंटीमीटर। कितना होता है? 33 to 35 सेंटीमीटर। और नॉर्मल चेस्ट सरकमफेरेंस कितना होता है? सॉरी, नॉर्मल चेस्ट सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस कितना होता है नॉर्मल? 31 to 33 सेंटीमीटर। 31 to 33 सेंटीमीटर क्या होता है? चेस्ट सरकमफेरेंस नॉर्मल, ठीक है। याद रख लेना, जो हेड सरकमफेरेंस है उससे 3 सेंटीमीटर चेस्ट सरकमफेरेंस क्या होता है? कम होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। और ये इक्वल कब हो जाते हैं? चेस्ट सरकमफेरेंस है वो हेड सरकमफेरेंस के इक्वल कब हो जाता है? कब हो जाता है? एट द एज ऑफ 1 ईयर।
1 ईयर की एज के ऊपर क्या हो जाता है, हेड और चेस्ट सरकमफेरेंस वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल बी द चेस्ट सरकमफेरेंस एंड हेड सरकमफेरेंस इक्वल, चेस्ट और हेड सरकमफेरेंस वो इक्वल कब हो जाते हैं, कब हो जाते हैं, फटाफट से आंसर दो। अबाउट 1 ईयर ऑफ एज, एक साल का जो बेबी है उसका हेड और चेस्ट सरकमफेरेंस वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चन तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, और जो हेड और चेस्ट सरकमफेरेंस है वो इक्वल कब हो जाता है, ये क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे क्या कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं बच्चों, याद करना इसको, ठीक है, टिक कर लेना। हेड और चेस्ट सरकमफेरेंस इक्वल कब होते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो कब होते हैं, अबाउट 1 ईयर ऑफ एज। ओके फ्रेंड्स, ये थे माइलस्टोन्स और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स जो क्या है बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, साथ ही उनका आंसर भी अपने बताया। अगर आप अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। और फ्रेंड्स, आप अगर आपको क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से आपको वो क्वेश्चन याद हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अपन लेके आते हैं, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।